विधायक मूलख राज प्रेमी के अथक प्रयासों से 25 से 30 वर्षों से बंद पड़ी बैजनाथ विधानसभा की सबसे पुरानी एवं प्रसिद्ध कुलह चरणामती पूजा अर्चना के बाद विधिवत रूप से शुरू की गई। मूलख राज प्रेमी ने कहा कि आज के पहले जितने भी सरकारें रही हैं उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जब से भाजपा की सरकार बनी है बैजनाथ में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का धन्यवाद किया। था जब हमारी सरकार बनी तो हमारी सरकार के बनते ही सबसे मैंने मामले चाहे गुल्लों के थे चाहे टूरियम की दृष्टि से थे, ये सारे मामले मैंने जो है चर्चों में किए, पेयजल की बातें थी, ये सारी बातें मैंने जो है कि विधानसभा की कभी कर। तो आज मुझे खुशी इस बात की है कि सबसे पहले तो मैं आज ये जानती को जो आप जनता को समर्पित कर रहे हैं, अब ये कुलें जो बीच में बंद नहीं होंगी लगातार चलेंगी, अब जिसका आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा जो इसके लिए हमने जो है एक पहल का काम किया और प्रॉपर पुल का काम किया, तो मुझे लगता है कि आज ये सारी कुलें बनकर तैयार हो गई है। और सबसे बड़ी तो मैं बधाई माननीय मुख्यमंत्री जी को जयराम ठाकुर जी को देता हूँ और दूसरी बधाई मैं माननीय जल शक्ति भी मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह को भी देता हूँ कि उनके आशीर्वाद से जो है आज बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र चहुमुखी विकास की जो अग्रसर है। तो आप जो हमारी 10 कुलें थी तो आज मुझे लगता है कि ये 8वीं कुल है जो चल पड़ी है, अभी 2 बची हैं वो भी हम उसको जल्दी चलाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो महीने डेढ़ महीने में जो है वो चलेगी। और सबसे बड़ी इसके चलते मैं एक बहुत बड़ी अपील करने जा रहा हूँ कि आज कोरोना विश्व महामारी से जो हमारा देश और देश जो जुड़ रहा है, जिसके चलते यहाँ पर सेकंड फेज जो शुरू हुआ है, तो इसमें मैं जनता से सबसे अपील करता हूँ कि इसमें जो है सरकार का समर्थन करें और एक दूसरे की जो है यहाँ पर हम एक दूसरे व्यक्ति की रक्षा करें कि कोई इससे जो है महामारी से कोई किसके साथ कोई ऐसी घटना ना घटे, जिसके लिए आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषकर धन्यवाद करता हूँ कि पिछले काल जो हमेशिए के बाद हमारी जो बैठक थी तो उसमें मैंने सीधा संकेत दिया है कि अब हमने कोरोना महामारी से निपटना है, जिसके लिए हर व्यक्ति को हर नौजवान को सबसे आगे ये मैं यही कहना चाहता हूँ। बैजनाथ से आपका फैसला टीवी के लिए शिव सूद की रिपोर्ट।